कि सबसे पहले कि आज जो आपकी प्रिपरेशन हुई है एज अ मैनेजर मैनेजमेंट, आपको कैसा फील हो रहा है और आप कहाँ तक आगे जो आपके माइंड में है कि आप इस तरह से उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? जी आदिल, जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनी ने अनाउंस किया है कि आज से मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, और उससे पहले राज मैनेज करते थे। राज इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, एनी के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। मैं ऑलरेडी रोजन को भी मैनेज कर रहा हूँ और आपको पता है फलक के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है काम का, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एनी जो है बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉप सिंगर हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह उनकी सारी चीज़ों को देखूं, जिसमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सर्ट्स की इंक्वायरीज़ हों, उसमें एनी को ब्रांड कौन सा सूट करता है, एनी की ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, फिर मीडिया के साथ उसका एक रिलेशन अच्छा बनाना, क्योंकि काफ़ी सहाफ़ियों ने और जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने शिकायत की कि एनी मीडिया पर बहुत कम नज़र आती हैं। एक तो वो इंशाल्लाह मैं कैंपेन करूँगा पूरी, और साथ साथ एनी के कॉन्सर्ट्स वगैरह देखने हैं और उसकी ब्रांड्स के साथ, और कुछ हाँ बिल्कुल कुछ कोलैबोरेशन भी करवानी है कुछ आर्टिस्टों के साथ, जिसमें कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं इनके साथ कर भी चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्क्लोज करेंगे, और कुछ जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह करेंगे। फैसल, मुझे बताएं कि कैसा लगता है एक डेवलप्ड आर्टिस्ट को एक नॉन आर्टिस्ट को मैनेज करना, और ईजी हो जाता है एक मैनेजर के लिए या फिर ओबियसली नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है? नहीं बिलावल, ईजी तो नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि एनी बहुत बड़ी माशाल्लाह स्टार है, और इसको मैनेज करने के लिए मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है। यूसुफ किबरिया मेरे साथ है, शब्बीर है, अलीशा है, मेरी पूरी टीम काम करेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी भी आपको जिस तरह पता है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पूरी चीज़ें देखनी होंगी, उसके डोमेस्टिक टूर्स और उसके जो इंटरनेशनल टूर्स हैं उनको देखना होगा, और मुझ पर नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ चुकी हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, द पीपल हु आर वॉचिंग यू ऑन IMX एंड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, क्या कहना चाहते हैं कि IMX इस सिलसिले में, इस मीडिया को लेकर और इस तरह प्रमोशन के लिहाज से कितना आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं मीडिया के लिहाज से बताना चाहिए? जी IMX बहुत अच्छी वेबसाइट है आपकी, और आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और मेहनती हो, और मेरा ख्याल है कि IMX का आगे जाकर मेरा ख्याल है कुछ चैनल भी आ जाएगा, जिस तरह आप ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहते हो म्यूज़िक से रिलेटेड, हर कॉन्सर्ट को कवर करते हो, तो अच्छी बात है, आप लोगों को हम गुड लक कहना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, और इंशाल्लाह मेहनत करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।